हर को नाम जप कर्म से जो धर्म खड़ा है वो ही निर्मल है, वो ही श्रेष्ठ धर्म है। भाव जप ही श्रेष्ठ धर्म है, जप ही निर्मल कर्म है। दान ते बड़ा करता है, जप नहीं करता, इस दान देचो अभिमान पैदा होवेगा, हंकार दी बदबू आवेगी, निरंकार दी सुगंधी नहीं। सेवा ते बड़ी करदा जप नहीं करदा, एदी सेवा देच भी कठोरता होवेगी, दया नहीं। पाठ से बड़ा करदा पर मन नु नहीं जोड़दा, अज्ञानता बनी रहेगी। जैसे भोजन दी थाली सारा दिन मेरे हाथे च होवे, मेरी भुख ते नहीं मिटेगी, भुख ते मिटेगी खाण नाल। सारा दिन जबान नाल मैं बाणी पढ़ रहा, इस विच मेरा मन नहीं जुड़िया, भुखे मां करनी कुछ भी नहीं होवेगा, कुछ भी नहीं होवेगा। इस वास्ते ये बुनियादी नुकता मैं थोड़े सामने रखा, फिर बाद विच होर विचार। जप किवें करिए, अगर कोई विधि विधान पूछे तो दो नुक्ते पहले मैं ये भी थोड़े सामने रख दें। पहला नुकता ते कोई विधि विधान नहीं है। फिर मैं अर्ज करा जो थोड़े सामने विचार रखांगा, तस्दीक गुरबाणी करेगी। पंक्ति थानू सुनावा, तज भरम करम बिद निखेद, राम नाम ले ही बिद निखेद। कोई विधि नहीं, विधि निषेध, कोई ढंग नहीं है, कोई तरीका नहीं है। ये भगत कबीर जी की पंक्ति है। कबीर कहते ने मेरे को ढंग ना पूछो, क्योंकि ढंग है ही नहीं, है ही नहीं। तुसी आखोगे कबीर जैसा संत भगत सतगुरु ने अपने सीने च थां दित्ती है, भगतां विचों पहले रखे है, कहिंदा कोई ढंग नहीं, विधि निषेध, कोई विधि नहीं, मेरे कोई विधि ना पूछो। दरअसल नुकता मैं थोड़े सामने रखा, 36 प्रकार दे भोजन दा परोसया होया थाल किसे दे अगों रख दईए ते अगला ए आखे ढंग दसो खाण दा, किवें खाईए, तो एक गल स्पष्ट हो गई, इनू भुख नहीं लगी, भुख नहीं लगी। कदी भुखा ढंग पुछदा, कदी भुखा तौर तरीका पुछदा। ठंडा पानी दा गिलास कोल्ड ड्रिंक शरबत किसे दे अगों रख दईए ते अगला आखे पीण दा जरा ढंग भी दस दो, तो गल साफ हो गई, प्यास नहीं लगी। प्यासा कदी ढंग पुछदा, प्यास लगदी है ते पशु पानी पीण लग पैंदे, भुख लगदी है ते वह भी खाण लग पैंदे। जो ढंग पिया पुछदा है, कबीर कहते ना अजे नाम की भुख नहीं पैदा हुई, अजे परमात्मा की प्यास नहीं पैदा हुई। कबीर ये कह रहे हैं, वरना प्यासा कदी ढंग पुछदा, पानी का गिलास सामने पिया होवे किवें पीए, कदी भुखा ढंग पुछदा मैं किवें खावा। ये ढंग पुछण वाले इन्हां च प्यास नहीं है, भुख नहीं है, और ढंग दसण वाले खिमा करने उन्होंने कुछ भी ढंग का पता नहीं है। कबीर तो भी अपने आप को सियाणा कही जाते हैं, तज भरम करम बिद निखेद, राम नाम ले ही गुरु प्रसाद जन कबीर राम कर सने। हुण मैं फिर अर्ज करा, फिर भी एक ढंग है। तुसी आखोगे आपे मैं खंडन करदा पिया कबीर दी बोलां नूं लैके, पर हुण मंडन करदा ये भी गुरु ग्रंथ साहिब की बाणी नूं लैके। ध्यान नाल सुनना,
कोई ढंग नहीं है। अगर कोई सामने परोसे हुआ थाल पे है तो ढंग पुछदा है खाण दा, इनू भुख नहीं है। ढंग पुछदा है पीण दा, इनू प्यास नहीं है। कोई ढंग नहीं है, प्यास होनी चाहिए है। कोई ढंग नहीं है, भुख होनी चाहिए है। नाम जपण दा जो ढंग पुछदा है, अजे नाम जपण दी तड़प नहीं है, अजे खिच नहीं है, अजे प्यास नहीं है, अजे भुख नहीं पैदा लगी। साचे नाम की लागे भूख, अजे कोई नहीं, अजे नहीं है। ताई जगह जगह ते ढंग पिया पुछदा। मैं फिर अर्ज करा, फिर भी एक ढंग है कि भोजन दी बुरकी मुंह च पानी पैंदी, अखां च नहीं पानी पैंदी, कन्ना विच नहीं, फिर भी एक ढंग है। एवें भोजन दी बुरकी चुक के मैं कान च पावां, इहदे राही मेरे मैदे च प्रवेश नहीं करेगी, इहदे नाल मेरी भुख नहीं मिटेगी। मैं अखां च पा लवां, उहदे च नमक मिर्च होवेगा, अखां दे च पानी आ जाएगा, अखां ते खराब होणगे। मैं नक दे च पावां ते निछा आणगियां, इह द्वार नहीं है। फिर भी एक ढंग है कि भोजन दी बुरकी मुंह च पानी पए, मुंह दे राही अंदर जाएगा। कोई ढंग नहीं है प्रभु दे नाम जपण दा, फिर भी एक ढंग है। की ढंग है? धन गुरु नानक देव जी महाराज सोही राग दे दसदे ने, रसना नाम जपो तब मथिए, इन विद अमृत पाओ। जबान नाल जपना है और की है, कोई अखां नाल थोड़ी जपना, नक नाल थोड़ी जपना, कन्ना नाल थोड़ी जपना है। ते सारे इंद्रे दिते ने प्रभु ने, जपना ते जबान नाल। रसना नाम जपो तब मथिए, इन विद अमृत पाओ, इस विधि नाल अमृत दी प्राप्ति हो जाए। हुण मैं अर्ज करा, जबान नाल जपना इंज है जिवें हथां नाल रोटी पकाना, पर रोटी पकाना रोटी खाना नहीं है। पकाण नाल भुख नहीं मिटेगी, यह दूजा नुकता मैं थोड़े सामने रख रहा। रोटी कमाण नाल भी भुख नहीं मिटेगी, रोटी पकाण नाल भी भुख नहीं मिटेगी। सारा दिन रसोई दे चरिया ते भोजन बनांदा रहा, भुख नहीं मिटेगी, नहीं मिटेगी। सारा दिन बाणी पढ़दा रहा, भोजन बनाना है। वाहेगुरु वाहेगुरु जबान जपदी रही है, भोजन बनता है। हुण इहनू खाणा वी ते है ना, जे को खावे जे को पुनछे तिसका होए उधार। हो उन्हों खाण दा ढंग की है, जिवें भोजन दी बुरकी दा ढंग है मुंह च पानी पैगे, तिवें नाम जपण दा ढंग है जबान ने ते भजन करना है, बनाना है, जप नूं रख देना है, कन्ना दे राही उह शब्द ने अंदर प्रवेश करना है, अखां दे राही नहीं, मुंह दे राही भी नहीं, नक दे राही भी नहीं। ऐ ढंग है, गावीए सुनिए मन रखिए। कहिंदे ने रोटी कमाना औखा है, पकाना औखा है, खाना ते बड़ा सौखा है, सारे खा सकते हैं आराम नाल, कमाना औखा है, पकाना औखा है। दूजी में अर्ज करा, भजन ये आत्मा दी खुराक है, मन की खुराक यह भी भोजन है, अध्यात्मक भोजन है। एक कमाना ते बड़ा सौख है, पकाना ते बड़ा सौख है, खाना बड़ा औखा है। जेखो खावे, इस वास्ते सतगुर कहिंदे कोई खावे ते सही, खांदे नहीं कोई, भुखे दे भुखे रह जाने। वाहेगुरु वाहेगुरु में घंटा जपे है,
मेरे मन ने एक मिनट भी नहीं सुनिया, भुखे दा भुखा रह जावांगा, कुछ भी नहीं है। पकाण नाल ते भुख नहीं मिटती। सौरा दिन राम राम रटदा रहा, यकीन जानो सोग संताप देच रहेगा, कोई आनंद नहीं, कोई खेड़ा नहीं। इन्हें भोजन बनाया है, थक जाएगा। राम राम जपदिया थक जाएगा, वाहेगुरु वाहेगुरु करदिया थक जाएगा। ये भी मैं और थके हुए मैं देखना, टूटे हुए मैं देखना, थक गए इते थकेवा लै जाना चाहिदा सी, लै सकदा सी। जे भोजन छक लैंदा ते ताजगी आ जाने सी, भुख मिट जाने सी, थकेवा लै जाना सी, पकाण दा भी थकेवा लै जाना सी। जे किधरे ये छक लैंदा, शब्द दा छकना की है, जेको खावे जेको पुंचे, जबान ने भोजन बनाया है। वाहेगुरु वाहेगुरु ये भोजन ते बन गया, इहदा छकना ही औखा है। मन सुने ते मन तां ही सुनेगा जे मन चुप करे। जिहड़ा पहले ही बोलदा पिया ते सुनेगा की? उच्ची उच्ची बोलण वाला किसी की गल सुन नहीं सकता, किसी की गल सुनन वास्ते चुप करना पैंदा है। आम तुसी सारे सेणे बैठे, किसी नूं सुनना है तो चुप करना पएगा। मन ने सुनना है तो मन नूं खामोश होना पएगा, मन नूं चुप रखना पएगा। मन नूं चुप रखना ही मन की एकाग्रता है, मन नूं खामोश रखना ही मन का पवित्र होना है। मन चुप नहीं करता, उक्की नहीं करता। बड़े लंबे समय तो ये गल पकड़ दे चाही सी कि चुप रहने नाले परमात्मा की प्राप्ति है, मन चुप करे। कुछ एक ने इस गल नू समझया ना, ते कुछ एक ने तरीका ये अपनाया, चलो पहले जबान नाल नहीं बोलते, चुप कर जाने, शायद फिर मन भी चुप कर जाए। तो उन्होंने आख्या गया मौनी, अगर मौन धारण करके परमात्मा मिलता ना बोलण नाल, तो फिर परमात्मा जबान देंदा ही ना, ये तो बोलण वास्ते देती है। जो कुछ दिता है वर्तन वास्ते दिता है, और वर्तों ना करो यकीन जानो कमजोरी आ जाएगी। अखां ते कोई पट्टी बन लवे, तीन चार साल खोले ही ना, अंधा हो जाएगा। अगर चार साल बाद उसने पट्टी एक पासे कीती, अंधा होवेगा, क्योंकि अखां दी वरतों नहीं कीती, इस्तेमाल नहीं कीता। इते हुण साइंटिस्ट भी ऐसा कहण लग पए, कोई बोले ही ना दो चार साल, यकीन जानो बोलण दी शक्ति गवा छड्डेगा। मैं दो चार मौनी अपने सिख जगत च देखे जिन्हां नाल लकब जुड़े होया मौनी जी, एक दो ते गुजर गए, एक दो है गए। 12 साल बाद मौन खोले, आवाज बिल्कुल मादीन हो गई, बारीक हो गई, बड़ा जोर दा बोल दें तां किधरे पल्ले पैंदा। और थोड़े जिया बोल बोलन लग्या भी लड़खड़ा जाते हैं, थथरा जाते हैं, जबान बोलन की शक्ति गवा बैठे, बोले ही नहीं। जिहड़ा मनुख अपने दिमाग तो कम लावे, सोच शक्ति तो कम ना लवे, यकीन जानो मूड दा मूड रह जाएगा। जिवें लोहा वर्तन दे बनिया रवे ते लंबे समय तक रहिंदा, उंज पिया रहे ते जंगल खा जाएगा। यह भी मैं अर्ज़ करदा, शरीर दे जिस ज्ञान इंद्रिय तो कम ना लो कमजोर हो जाएगा। जेड़े मनुख थोड़ा बहुत पैदल नहीं चलते, यकीन जानो चलन की शक्ति गवा बैठते। जेड़े लोग थोड़ा बहुत हथां नाल कम नहीं करते, उन्होंने हाथ भी कमजोर हो जाते। ये तो कुदरत ने नियम बनाया, परमात्मा ने नियम बनाया। तो कईयां ने ऐसा समझिया, चलो जबान नाल भी नहीं बोलते, शायद मन चुप कर जाए। गुरु नानक समझांदे नहीं, चुप है चुप ना हो गई, जबान दे चुप करन नाल मन चुप नहीं करेगा।
नहीं करे। उदा जबान नल कोई मतलब ही नहीं है। चुप है चुप ना हो वही जे लाहे रहा लेवतार। तू एक लेवतार कई साला तक चुप कर ता भी मन चुप नहीं करेगा, बोलता रहेगा बोलता रहेगा। मन का स्वभाव है बोलना। इदा बोलना किमें बंद करिए? बोलन वाले नु वक्ता कहते हैं। चरण गहों बकों सुब रसना दीजे प्राण अकोर। वक्ते तो पंजाबी रूप बनया वक्ता, भावे अज ते इहदे अर्थ कुछ होर बन गए ने। चरण गहों बकों सुब रसना, बकों दे थे अर्थ ने बोलना बोलना। इस जबान नाल मैं शुभ बकदा, इंज कह लो बकों शुभ रसना शब्द है गुरु अर्जन देव जी का। इहदे अर्थ ये नहीं जो असी करते हैं। शब्दां दे अर्थ दुनिया च कुछ होर हो गए ने, पर शब्द दे अपने अर्थ ने बोलना। बोलन नूं वक्तव कहिंदे ने, बोलन वाले नूं वक्ता कहिंदे ने। चरण गह मैं उहदे चरण पकड़दा, बकों सुब रसना जबान नाल सुब बोलना, बकों दे अर्थ बोलना। जबान वक्ता बने, मन वक्ता ना बने, मन सरोता बने, बस इन्नी गल है। जबान नू बड़ी आसानी नाल वक्ता बना लेंदे हैं, बहुत आसानी नाल। ये भोजन बड़ी आसानी नाल कमा लेंदे हैं, बना लेंदे हैं, वाहेगुरु वाहेगुरु वक्ता बन गए। मन स्रोता नहीं बनता तो मन नहीं खाना है। चुप करे तो शब्द अंदर प्रवेश करे, ये चुप नहीं करता। मैं एक शहर दे एक सज्जन ने अरदास कराई किधरे, दो चार महीने च उसने पाठ किए, उन्होंने 5000 सुखमनी साहब दी अरदास कराई, भोग पवाया, अरदास कर। मेरे को किसी ने पूछा, बड़ा महान मनुख है, 5000 पाठ सुखमनी साहब दे कर चुके है। मैं कह चेहरे देते छाप ते एक पंक्ति दी भी कोई नहीं, एक पंक्ति दी भी कोई नहीं, की होया 5000 कीते। ये रोटी बनांदा ते रहा है, रोटियां दे ढेर लाए ने इसने, खादी कोई नहीं, इसने नहीं खादी। मैं फिर अर्ज करा, बाहर दी दुनिया विच रोटी कमाना औखा है, रोटी पखाना औखा है, खाना सौखा है। धर्म दी दुनिया विच भोजन खाना ही बड़ा औखा है। जे को खावे, इस वास्ते सतगुरु कहिंदे कोई खावे कोई छके, सिर्फ छके ही ना हजम भी करे, क्योंकि है वे गजा है। जिस दिन अंदर शब्द प्रवेश कर गया ना, मन दी दुनिया बदल जाएगी, घबराहट भी होगी, कुछ भय भी जागेगा। एक ही हो गया इन्ना प्रकाश, एको ही दफा शब्द चोट करे, एको ही दफा सुने मन, एक दफा जे एक गुरु की सिख सुने, एक दफा इदा मतलब मैं 100 दफा वाहेगुरु वाहेगुरु आखे है, मन एक दफा भी पूरी एकाग्रता नल नहीं सुनता, क्योंकि एक दफा सुना है। 1000 दफा इस वास्ते बोलना है वाहेगुरु वाहेगुरु, किधरे मन एक दफा सुन ले, जे एक गुर की सिख सुन। 5000 सुखमनी साहब दे पाठ कर लेंदे आ, मन ते नहीं सुनता, नहीं सुनता। सुनन लगे आ, मन पहले चुप करे, और ये सारी तैयारी अमृत वेले उठ के जप दी यही है। ये भी मैं अर्ज कर देना, ये सत्संग करना, ये कथा कीर्तन सुनना ते करना, ये सब जप दी तैयारी है।